पटना सिटी के ओरिएंटल कॉलेज में विद्यार्थियों ने शुल्क वृद्धि के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद छात्रों ने एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं कॉलेज में आंदोलनकारियों ने प्राचार्य कक्ष के बाहर नारेबाजी की, जिसमें जदयू के दर्जनों से ज्यादा कार्यकर्ता महाविद्यालय परिसर में घंटों कॉलेज प्रशासन हाय हाय, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, शुल्क वृद्धि वापस लो, अभिभावकों का आर्थिक शोषण बंद करो के नारे लगाए। जदयू नेता कन्हाई पटेल ने बताया कि प्राचार्य डॉक्टर सैयद अफजल इकबाल ने आश्वासन दिया है कि शुल्क वृद्धि में सुधार के लिए व्यवस्थापक से बातचीत हुई है, आगे भी बातचीत का दौर जारी है। छात्र और अभिभावकों की समस्या को दूर करने के लिए हम फिक्रमंद हैं। स्वर्णा रानी के साथ न्यूज 24 की रिपोर्ट। दो तीन बार विजिट कर चुका हूँ, बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर आप शुल्क वृद्धि को जो है वापस ले, क्योंकि कोरोना का वैश्विक महामारी में अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी परिवार है उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। वो बच्चे को ठीक तरह से तीन टाइम भोजन नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे अवस्था में जो शुल्क वृद्धि है, बहुत सारे गार्जियन जो है बच्चों को पढ़ा पाने में असमर्थ हो रहे हैं, बच्चे शिक्षा से दूर हो जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में शुल्क वृद्धि को पुनः वापस ले जाने के लिए मैं तीन बार जो है मैनेजमेंट से हाथ जोड़कर विनती कर चुका हूँ, मगर मैनेजमेंट द्वारा यह कहकर के पल्ला झाड़ लिया गया कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है शुल्क वृद्धि और शुल्क को जाकर के वापस लेना। तो मैंने कॉलेज प्रशासन के जो सचिव है, जो इस मुख्य कमेटी के सचिव है CAM मोहितुर रहमान सर के नाम से जो है मैंने 2 तारीख को एक ज्ञापन सौंपा था प्रिंसिपल सर के हाथों में। उसमें मैंने बहुत ही हम्बल पूर्वक मांग की थी कि कॉलेज प्रशासन को अभी चाहिए कि कोरोना के काल में जो बच्चों पर अनायास जो ये मूल्य वृद्धि किया गया है उससे गार्जियन जो है बहुत आहत है, पढ़ाई से बच्चे लोग दूर हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में जो है अब मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाए, लेकिन अब तक मैनेजमेंट के द्वारा कुमकर्णी नींद में ये मैनेजमेंट सोया हुआ है, इनके कानों में जो है जू नहीं रेंग रहे हैं। बापू के देश में कुछ ऐसे बहरे लोग हो गए हैं जिनको जगाने के लिए अब धमाका की ही जरूरत है। वैसे तो मैं सत्याग्रह का पालन करने वाला, महात्मा गांधी को पूजने वाला, माननीय नीतीश कुमार जी को पूजने वाला मैं कन्हाई पटेल, आज मैं बेबस और लाचार हो रहा हूँ क्योंकि गार्जियन का जो फोन आता है मेरे पास कि जिस तरह से शुल्क वृद्धि हो गई है, हम बच्चों को ट्यूशन फी नहीं दे पा रहे हैं, हम बच्चों को जो है किताबें नहीं दिला पा रहे हैं, तो क्या बच्चे जो है बिना किताबों के बिना ट्यूशन फी के वो बच्चे पढ़ पाएंगे, डिग्री ले पाएंगे? कॉलेज की जो व्यवस्थाएं हैं उसको आज से कुछ समय पहले तक कॉलेज जो है हम लोग की हर बात को माना जाता था, आज अच्छे क्या दुष्परिणाम होगा इस मैनेजमेंट को कि हम लोग की जायज मांग को भी मांगा नहीं जा रहा है, हमारी जायज मांग को भी जो ये लोग जो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, हमारे 15 दिन 20 दिन के सत्याग्रह को ये लोग जो मजाक बना के रख दिए हैं। तो मैं पुनः जो है मैनेजमेंट को एक बार जो है पुनः मैं रिमाइंडर लेटर लेकर आया हूँ और उनसे मैं पुनः सत्याग्रह के तहत ये मांग करने आया हूँ। ये मेरा जो है अहिंसात्मक, ये मेरा जो प्रोटेस्ट मार्च है, मैं चाहता हूँ कि इस अहिंसात्मक प्रोटेस्ट मार्च के तहत ही मैनेजमेंट जो है मूल्य शुल्क मूल्य को जो वापसी ले, जो भी चीज़ों को जो है प्राइस बढ़ाया गया है वो तमाम मदों के जो है प्राइस को जो है वापस ले करके जो है बच्चे को और बच्चे के गार्जियन को राहत देने के साथ साथ जो अभी के समय में शिक्षा के प्रति लोगों का जो रुझान कम हुआ है, जो उदासीनता ही है, उसमें एक पॉजिटिव सकारात्मक जो है प्रयास करें। अगर बच्चे रहेंगे तो ये कॉलेज भी रहेंगे, अगर बच्चे रहेंगे तो कॉलेज के मैनेजमेंट भी रहेंगे। जो भी है बच्चों से है, बच्चों के साथ और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। क्या परिचय? मैं कन्हाई पटेल, जदयू नेता, पटना साहिब विधानसभा। आपका परिचय? मैं रवि गुप्ता, जदयू लीडर, पटना साहिब। आज फीस में वृद्धि में आज जदयू के एक बड़ी प्रतिनिधिमंडल के रूप में हम लोग एकत्र होकर प्रिंसिपल को एक पुनर्विचार लेटर लिखकर और उनको सौंपने का काम करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं, क्योंकि मूल्य में वृद्धि होने के कारण बहुत सारे बच्चे शिक्षा से वंचित हुए जा रहे हैं और ये जो भी सरकार की तरफ से हम लोगों को दिशा निर्देश दिया है, हम लोग उसी के तहत, ना कोई हिंसा है और ना ही कोई अलग से अपना कोई पर्सनली प्रोटेक्ट है, जो भी बच्चों के हित में है, छात्र के हित में है, अल्पसंख्यक छात्रों के हित में, उसी को देखते हुए हम लोग उनके आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज प्राचार्य कक्ष के समक्ष अपने लेटर को रखे आए। जिस तरह से कोरोना के वैश्विक महामारी के दौर में आर्थिक
खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।